क्या कोरोना महामारी की मौजूदा लहर जल्द खत्म होने वाली है? अगर हालिया रिसर्च पर भरोसा करे तो उसकी पूरी संभावना है। जिस तरह से ओमिक्रॉन फैला, लेकिन पिछली लहरों के मुकाबले इसका प्रभाव भारत में उस तरह से नहीं दिखा। इससे महामारी का अंत करीब आने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैक्सीनेशन से बड़ी आबादी में हार्ड इम्यूनिटी को बढ़ावा मिला है, जिसके चलते कोविड महामारी का उस तरह से प्रभाव इस बार नजर नहीं आया। पटना यूनिवर्सिटी और दुनिया के दर्जनों विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की रिसर्च। दुनिया भर के एक दर्जन से अधिक विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों के साथ साथ पटना विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग के शिक्षकों की ओर से किए गए अध्ययन में कई अहम बातें सामने आई। इसके मुताबिक नियमित अंतराल पर यानी 6 महीने या साल भर पर बूस्टर डोज की व्यवस्था से फ्लू के साथ साथ कोविड-19 के रोकथाम की एक अनूठी स्थिति का पता चला है। कोरोना वैक्सीनेशन की वजह से लोगों में बढ़ी है इम्यूनिटी। इसके मुताबिक ओमिक्रॉन के ज्यादातर केस एसिम्प्टोमेटिक हैं, इनमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे में ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बावजूद इस महामारी के अंत के करीब आने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे बड़ी आबादी में वैक्सीनेशन की वजह से अप्रत्याशित इम्यूनिटी को बढ़ावा मिला है। रिसर्च में इन बातों का किया गया है जिक्र। इंटरनेशनल जर्नल एनवायरमेंटल रिसर्च के ताजा अंक में प्रकाशित SARS-CoV-2 म्यूटेशन के एक पेपर में पटना विश्वविद्यालय के गजेंद्र कुमार आजाद, परिमल कुमार खान और जीबी चंद समेत कई अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भारत में तीसरी लहर के दौरान फैल रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट की स्पीड भले ही डेल्टा वेरिएंट से तेज नजर आ रही है, लेकिन उसके इस तरह से गंभीर परिणाम नजर नहीं आ रहे। लेखकों ने रिसर्च में इसकी मुख्य वजह बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन होना माना। पिछली लहरों के दौरान वैक्सीनेशन की कमी से कोरोना संक्रमण का ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था, लेकिन अब टीकाकरण से इम्यूनिटी बढ़ाने में महामारी का प्रभाव कम हुआ है। कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you.